तो पिछले कुछ महीनों में लाइट हैवीवेट डिवीजन में बहुत सारी हरकतें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। जमाल हिल चैंपियन बन गया और बहुत सारा नए नए कंटेंडर्स ऐड हुए, एलेक्स परेरा मूव अप कर गए। तो लाइट हैवीवेट डिवीजन की चकाचौंध में हम सब ने एक फाइटर को मिस करा है और एक फाइटर को कहीं ना कहीं हमने खो दिया है, जहां पर उसका कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा है, जबकि वो टॉप कंटेंडर होने वाला था। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं मागोमेड एंकलाइव की। तो अगर आज से 4.5 महीने पहले UFC 282 की बात करें, उस टाइम पर अगर हमसे कोई पूछता मागोमेड एंकलाइव के बारे में और मागोमेड के बारे में, तो डेफिनेटली हम सबका ओपिनियन यही था। इनफैक्ट आप सबका भी, बहुत सारे फाइट फैंस का यही ओपिनियन था कि मागोमेड तो डेफिनेटली चैंपियन बनेगा, आज नहीं तो कल, या तो UFC 282 में बनेगा या तो अगले साल 2023 में तो बिल्कुल ही चैंपियन बन जाएगा मागोमेड एंकलाइव, उसको टाइटल शॉट जरूर से मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पर यह रियलिटी है कि मागोमेड एंकलाइव की टाइटल शॉट तो दूर, कोई अगली फाइट की भी न्यूज नहीं है, कोई वो फाइटर कहां पर है, क्या कर रहा है, किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। देखिए, अगर आप सबको कहानी नहीं पता है तो मैं कहानी आप सबको बता देता हूं। UFC 282 में होने वाला था यिरी प्रोहास्का वर्सेस ग्लोवर टक्शेरा का मैच। यिरी प्रोहास्का को इंजरी हुई, उन्होंने बेल्ट वेकेट कर दी, लेकिन उसी इवेंट में होने वाली थी फाइट यान ब्लाहोविच और मागोमेड एंकलाइव की, और इस फाइट को फिर यहां पर मेन इवेंट बना दिया था और टाइटल फाइट बना दी थी। और ये टाइटल फाइट का नतीजा, रिजल्ट ये निकल के आया था कि इस फाइट को एक टैक्टिकल ड्रॉ दे दिया गया था, मतलब दोनों की तरफ से जजेस का ये स्कोर था कि ये फाइट ड्रॉ थी। और इस ड्रॉ का नतीजा ये हुआ कि किसी को भी बेल्ट नहीं दी गई वहां पर, मागोमेड एंकलाइव को भी नहीं दी गई और यान ब्लाहोविच को भी नहीं दी गई। और उसके बाद UFC 283 में ग्लोवर टक्शेरा और जमाल हिल ने फाइट करी और उसके बाद जमाल हिल चैंपियन बने। तो यहां पर देख सकते हो कितना ज्यादा बैड लक इन्वॉल्व हुआ मागोमेड एंकलाइव के साथ। देखिए, उस फाइट के बाद ब्लाहोविच की तो न्यूज आ रही है कि वो फाइट करने वाले हैं इस समर्स में, उनके डेफिनेटली एक फाइट होने वाले, लेकिन मागोमेड की कोई भी न्यूज नहीं है उस फाइट के बाद से, ना ही कुछ भी अपडेट है। तो देखिए, यहां पर मैं ये डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा कि वो ड्रॉ गलत था, वो ड्रॉ सही था, कि ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो रखा है। जब मेरा चैनल बिल्कुल ही छोटा सा चैनल था, उस समय 50-60 सब्सक्राइबर्स थे UFC 282 के टाइम पे, तो उस समय ही मैंने ये वीडियो अपलोड करा था, पूरा डिटेल एनालिसिस इसका ब्रेकडाउन कर रखा था इस फाइट का कि कैसे कैसे पॉइंट स्कोरिंग हुआ। तो अगर आपको वो चेकआउट करना है तो आप नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप उसको क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। उस टाइम पे मेरा चैनल ज्यादा बड़ा नहीं था तो उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आए थे, तो आप डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हो। एक चीज मैं यहां पर जरूर कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन था कि मागोमेड एंकलाइव वो फाइट जीत रहे थे और उनसे वो फाइट छीन के ड्रॉ कर दी गई थी, लेकिन यहां पर केस एक्चुअली ये नहीं है। फाइट यहां पर ये थी कि यान ब्लाहोविच वो फाइट को जीत रहे थे और यान ब्लाहोविच को वहां पर विक्ट्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको ड्रॉ दिया गया वहां पर मागोमेड एंकलाइव के साथ। आप सब ये आर्ग्यू करोगे कि मागोमेड एंकलाइव ने उसको लास्ट के राउंड्स में बहुत ज्यादा वो करा, लास्ट के राउंड्स में उसको हराया। तो देखिए, डेफिनेटली यहां पर उन्होंने लास्ट के राउंड्स में डोमिनेट करा ब्लाहोविच को। यहां पर ये भी चीज देखनी होगी कि पहले के 3 राउंड्स बिल्कुल डोमिनेट करा था यान ब्लाहोविच ने ऑन स्टैंडिंग मागोमेड एंकलाइव पे। पहला राउंड थोड़ा क्लोज था लेकिन वो फिर भी यान ब्लाहोविच को गया। सेकंड थर्ड राउंड्स में लेग्स बिल्कुल डैमेज कर दिए थे मागोमेड के। और बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि मागोमेड एंकलाइव एक रेसलर है, वो रेसलिंग कर सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसका फाइटिंग स्टाइल है मागोमेड एंकलाइव का, वो है स्ट्राइकिंग, और वो स्ट्राइकर है एक, बेसिकली वो एक प्योर डोमिनेंट स्ट्राइकर है, और उसको उसी के गेम में बीट कर रहे थे यान ब्लाहोविच, और उसके बाद फिर वो रेसलिंग पे गया क्योंकि उसके लेग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें कंसिडर करी गई जजेस के द्वारा और फिर ये डिसीजन दिया गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे लास्ट राउंड में तो बहुत डोमिनेट करा, लास्ट के राउंड में तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा यान ब्लाहोविच ने। अगर आप सब ध्यान से देखोगे तो यान ब्लाहोविच इतना ज़्यादा डर गया था टेकडाउन से कि उसको खुद ही गिर गया, उसके बाद फिर वहाँ पर यान ब्लाहोविच के ऊपर चढ़ गए मागोमेड एंकलाइव और उसके बाद फिर लेन प्रे करा वहाँ पर, ज़्यादा डैमेज भी नहीं करा, सबमिशन अटेम्प्ट्स भी नहीं करा, बस पोजीशन होल्ड करके रखा मागोमेड एंकलाइव। एनालॉजी मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ कि अगर सिर्फ लास्ट राउंड्स कहीं देखना है, सिर्फ लास्ट राउंड की परफॉर्मेंस देखनी है, पहले के 3 राउंड्स मैटर अगर नहीं करते, तो अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की और इस्लाम मकाशेव के भी मैचअप में लास्ट राउंड में, लास्ट में बहुत बुरा फिनिश करा था इस्लाम मकाशेव ने, अलेक्जेंडर ने बहुत अच्छा फिनिश करा था, लेकिन वहां पर भी हमने यही बोला कि अलेक्जेंडर ने पहले राउंड्स अच्छे फाइट नहीं करे थे और वहां पर डिसीजन सही तरीके से इस्लाम मकाशेव को दिया गया। तो डेफिनेटली सिर्फ लास्ट राउंड में अच्छा परफॉर्म करके आप फाइट नहीं जीत सकते, और फाइट को यहां पर एक ड्रॉ दिया गया है, और वो ड्रॉ एक तरीके से देख सकते हो वो टिल्टेड था यान ब्लाहोविच की विक्ट्री की तरफ, ना कि मागोमेड की विक्ट्री के बारे। तो देखिए, ये सारी तो बातें होगी कि ये फाइट में क्या क्या हुआ, लेकिन आप सबको मैं बताता हूँ कि अभी तक फाइट के बाद, उस फाइट के बाद अभी तक मागोमेड की कोई फाइट की न्यूज़ क्यों नहीं आई, वहाँ पर क्यों उन्होंने कोई और फाइट के लिए अभी तक वो सारी चीज़ें नहीं डाली गई। जो भी डिसीजन आया वहाँ पर, डिसीजन के बाद जो भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, और वो भी बहुत बड़ी गलती थी मागोमेड एंकलाइव की तरीके से। देखिए, वहाँ पर ये हुआ कि जैसे ही डिसीजन विक्ट्री यहाँ पर आया, ड्रॉ का अनाउंसमेंट, वहाँ हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं मागोमेड एंकलाइव बिल्कुल खुश नहीं थे। आप हो सकते हो, आप बिल्कुल बिल्कुल ना खुश हो सकते हो, लेकिन उन्होंने माइक पे
पे बहुत सारी चीज़ें बोली कि यूएफसी ऐसी होती है, यूएफसी के अंदर पार्शियलिटी हो रही है, रशियंस के अगेंस्ट पार्शियलिटी हो रही है, इसलिए फाइटर्स दूसरे वाले ऑर्गेनाइजेशन में फ़ाइट करने जाते हैं। और इनफैक्ट उन्होंने ये तो भी बोल दिया कि ये शायद उनकी लास्ट फ़ाइट हो सकती है, इसके बाद वो कहीं और जाके फ़ाइट करेंगे वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारी चीज़ बोल दी, हालांकि बोला तो उन्होंने रशियन में, उनके ट्रांसलेटर ने सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके बताई। कि देखिए, इन पास भी बहुत सारे फाइटर्स होते हैं जो रिजल्ट से खुश नहीं होते, लेकिन वो कभी भी माइक्रोफोन में जाके आपको बहुत सेंसिबली चीज़ें बोलनी होती है। आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ें बोल सकते हो, अपोनेंट को कुछ भी बोलो, आप इनफैक्ट एक बार को रेफरी को बोल दो, लेकिन आप यूएफसी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, आप यूएफसी की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। हम यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूएफसी बहुत अच्छी कंपनी है, यूएफसी सब कुछ अच्छा करती है, फाइटर्स का देखती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएफसी एक ख़राब कंपनी है एट द टाइम्स, कभी कभार वो बहुत गंदे डिसीजंस भी लेती है, लेकिन आप यूएफसी को यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप बॉस है, टॉप का जो यहाँ पर चीज़ें चल रही है, वो सब यूएफसी देखती है। डेना वाइट यहाँ पर हेड है, वो जैसा चाहेगा वैसा यूएफसी को चला सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ये स्पोर्ट्स लीग नहीं चल रही है, कोई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट नहीं चल रहा कि यहाँ पर कोई फेडरेशन होगी और आपके ऊपर लुकअप करेगी, आपको बचाएगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पर आप सीधा सीधा यूएफसी के मर्सी पे हो, यूएफसी चाहेगी तो आपको, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आपको घर वापस भी भेज सकती है। तो आपको बहुत केयरफुली चूज करना पड़ेगा कि आपकी यूएफसी के बारे में क्या क्या बोल रहे हो, आप अपने अपोनेंट के बारे में बोलो, आपको जिसके बारे में बोलना है, लेकिन कभी यूएफसी की मैनेजमेंट के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए यूएफसी में। और देखिए, मैं यहाँ पे इसको डेफिनेटली कोई सीधा सीधा ये पार्शियलिटी तो नहीं कहूंगा कि रशियन एथलीट्स के साथ यूएफसी में पार्शियलिटी होती है, क्योंकि देखिए, जो एथलीट्स अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से करते हैं, उनको यूएफसी बहुत ज्यादा पुश भी करती है। इनफैक्ट यहाँ पे मार्गोमेड का भी केस हम देखें, मार्गोमेड एक बहुत ही ज्यादा वो फाइटर नहीं है, मार्केटेबल फाइटर नहीं है, वो ज्यादा ट्रैश टॉक नहीं करता, वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो सिर्फ फाइटिंग में विश्वास लगता है, जो कि अच्छी चीज़ है, मैं इसको खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मार्केटिंग के रूप में मागोमेड उतना अच्छा फाइटर नहीं था, मागोमेड मार्केटेबल नहीं था, लेकिन स्टिल यूएफसी उसको पुश कर रही थी, यूएफसी उसको मेन इवेंट्स में डाल रही थी, टाइटल फाइट्स में डाल रही थी। लेकिन आप अगर अपने डिसीजन को लेकर फिर यूएफसी को ब्लेम कर दोगे, तो यहाँ पर इसके ऊपर फिर रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे, जो कि अभी मागोमेड कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली झेल भी रहा है, यूएफसी ने उसको आइस पर रख दिया है। कि इसके बाद सीन ये हो रखा है कि देखिए, इसके बाद इनडायरेक्टली जो ये पनिशमेंट देती है यूएफसी, इसके बाद आपको आइस कर देगी। अब मोस्ट प्रोबेबली मागोमेड एंकलाइव को काफी दूर आ गए हैं वो टाइटल से, अब उनको डायरेक्ट टाइटल का रीमैच नहीं मिल सकता। उस समय अगर वो अच्छे से बिहेव करते और बोलते कि ड्रॉ डिसीजन चैलेंज करना है उनको, ये चैलेंज कर सकते हैं वो, तो डेफिनेटली हो सकता था कि उनको इंस्टेंट रीमैच भी मिल सकता था। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने ऐसी चीजें बोल दी कि उसके बाद अब वो शायद से, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो दो फाइट्स दूर चले गए हैं टाइटल फाइट के लिए। देखिए, यही सारी चीजें थी जो कि मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि ज्यादातर चीजें चल रही हैं यूएफसी और मागोमेड एंकलाइव के बीच में। मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मेरे स्पेकुलेशन गलत हो, किसी और रीजन के कारण मागोमेड अभी फाइट ना कर रहे हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन है कि मैनेजमेंट के साथ अनबन हो रखी है फाइटर की। तो अब आप सब मेरे को अपना ओपिनियन बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, ये मागोमेड एंकलाइव वाली जो सिचुएशन है, और क्या हम मागोमेड एंकलाइव को इस साल वापस फाइट करते हुए देख सकते हैं। तो जो भी आपका ओपिनियन होगा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का सब्सक्राइबर गोल है 1800 सब्सक्राइबर्स हिट करने का, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। टिल देन मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।